हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्लास 12 का इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट देख रहे हैं। इससे पहले दो प्रोजेक्ट हम लोग देख चुके थे। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको जो भी पसंद है आप उसमें से कोई एक लिख करके आप सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था वो डिस्कस किया था, पहला वाला वो था हमारा एक तो इसमें फूड एडल्ट्रेंट्स वाला, सेकेंड जो हमने किया था, और उससे पहले हमने किया था एक कोल्ड ड्रिंक के बारे में, है ना। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन कौन से केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और उसे हम लोग ऐसा टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज़ करते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अब ये प्रोजेक्ट हमारा थर्ड नंबर का प्रोजेक्ट है, इसका जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा हमारा फूड के अंदर जो हम लोग पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड्स का जो स्प्रे किया जाता है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हम लोग प्लांट्स के अंदर डालते हैं, आप लोग को देखा होगा कि पेस्टिसाइड्स प्लांट्स के अंदर डाले जाते हैं, छिड़काव किया जाता है एक केमिकल का जिसे हम लोग DDT कहते हैं। और भी इस तरह के काफ़ी सारे कंपाउंड्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, तो ये सारे जो प्लांट्स के अंदर स्प्रे किए जाते हैं ये इसलिए किए जाते हैं ताकि जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं वो आपके प्लांट्स को ख़राब ना करें, प्लांट में कीड़ा ना लगे, वो प्लांट आपका बच जाए। तो होता क्या है कि उसको बचाने के लिए हम लोग ये स्प्रे तो कर देते हैं, लेकिन ये जो केमिकल्स होते हैं ना ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, डिग्रेड नहीं होते नेचर में। एज सच जैसा आप इनको आज डालोगे ये 10 साल बाद भी आपको वैसे के वैसे ही दिखेंगे, इनका डिग्रेडेशन रेट बहुत 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 कम होता है। तो जैसा आप इसको प्लांट में डालते हो कीड़ों को मारने के लिए, है ना, इंसेक्ट्स को मारने के लिए आप इसको डाल रहे हो पेड़ के अंदर, तो होता क्या है ना कि ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं या फिर प्लांट्स की लीफ या स्टेम रूट्स वगैरह में कहीं ना कहीं ये मिक्स हो जाते हैं धीरे धीरे करके, और ये डिग्रेड तो हुए नहीं है वहाँ पे, तो ये एज सच जैसे थे वैसे के वैसे ये पड़े हुए हैं वहाँ पे। अब होता क्या है ना कि इनकी वजह से जो आपके एनिमल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई काऊ है या कोई बर्ड है जो भी उन प्लांट को खा रही है, या फिर हम लोग भी वो प्लांट खाते हैं, तो वो प्लांट के साथ साथ जो पेस्टिसाइड हम लोग प्लांट्स में इंसेक्टिसाइड डालते हैं वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, क्योंकि हम तो फ्रूट्स खाते हैं ना, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, और वही वेजिटेबल्स खाते हैं जो हमें किसान लोग देते हैं। अब वो किसान लोग क्या करते हैं, कोई पेस्टिसाइड वगैरह सा केमिकल डाल देते हैं अपने पेड़ों को बचाने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जो पेस्टिसाइड वो डाल रहे हैं ये इनडायरेक्टली हमें ही खिलाया जा रहा है। वो कीड़े मरे उससे नहीं मरे ये बात की बात है, लेकिन हम ज़रूर मर जाते हैं उससे। तो हमें कुछ इस तरह के पेस्टिसाइड्स अपने नेचर में ऐड करना है जो कि बायोडिग्रेडेबल हों। जैसे कि आजकल एक केमिकल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैलाथायोन, ये बायोडिग्रेडेबल नाम का बायोडिग्रेडेबल केमिकल है मैलाथायोन, जो कि डिग्रेड हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, ऑर्गेनिक है एक तरह से, लेकिन जो हम पहले DDT वगैरह यूज़ करते थे ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो नेचर के थ्रू डिग्रेड नहीं होते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होते थे, इसलिए DDT को बैन कर दिया है। तो हमें कुछ इस तरह के केसेस चेक करने रहेंगे, कहीं कोई फार्मर जो है वो कहीं पेस्टिसाइड्स यूज़ तो नहीं कर रहा, कहीं वो हमारे लिए ख़तरनाक तो नहीं है। तो हमें ये टॉपिक है इसलिए हमने लिया है ताकि हम अपने फूड की क्वालिटी चेक कर सकें, ऑर्गेनिक फूड हमारी बॉडी तक पहुंच सके और हम कैंसर वगैरह जैसी बीमारियों से बच सकें। ठीक है, हमें अपनी फिशेस वगैरह जो है इन सब की जान बचानी है, तो उसके लिए हमें अपना खाना जो है वो सही से रखना रहेगा। अब देखिए, इसमें स्टार्टिंग से 12 पेज का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, इसको मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। या इसका पेज नंबर 1 देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको इसमें जो है वो आपको एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, आपके स्कूल का नेम वगैरह आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है इसमें केमिस्ट्री प्रोजेक्ट है, रिपोर्ट है ये, आप ईयर वगैरह यहाँ पे लिख देंगे, क्लास नेम, आपका रोल नंबर, एग्जामिनर और आपका जो है टीचर इंचार्ज जो भी है इसका नाम आप यहाँ पे लिखवा देना, सिग्नेचर वगैरह ले लेना। एम आप लिखेंगे, किसका प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, ये आपका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के ऊपर है इन वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर आजकल जो डल करके आते हैं उसके लिए, है ना। फिर आप जाएंगे इसमें पेज नंबर 3 पे, आप सर्टिफिकेट बनाएंगे। सर्टिफिकेट में आपको ये लिखना रहता है कि जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है इसमें आपकी किस किस ने हेल्प की है, कौन कौन ने आपको इसके अंदर सपोर्ट किया है और ये प्रोजेक्ट आप क्यों बनाना चाह रहे हैं, ये सारी बातें आप यहाँ पे इसमें मेंशन कर देंगे। एक्नॉलेजमेंट में ये लिखना है आपको कि किस किस ने आपकी हेल्प की है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आप जो है वो आपके स्कूल का नेम वगैरह भी इसमें इंक्लूड कर देना, और यहाँ पे आप पूरा लिख देना ये प्रोजेक्ट आपने क्यों सिलेक्ट किया है और इससे आप क्या जानना चाहते हैं और लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, किस किस ने आपकी हेल्प की है इसमें, इंटरनेट से, गूगल से, विकीपीडिया से, एनसाइक्लोपीडिया से, जहाँ से भी आप ये कर रहे हैं उसका आप नाम यहाँ पर मेंशन आसानी से कर सकते हैं। फिर आप कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट में आपको जो जो टॉपिक्स आप इसमें बताने वाले हैं, आपका हमेशा प्रोजेक्ट कोई भी होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन से,
बाद में उसका एम आता है, फिर मटेरियल लिखेंगे आप उसमें, प्रोसीजर लिखना, ऑब्जर्वेशन, और हमेशा लास्ट में जो है वो बिब्लियोग्राफी आती है। इसमें आप ये लिख देंगे बिब्लियोग्राफी में कौन सा वेबसाइट्स वगैरह से आपने लिया है, बस ये लिखना रहता है इसमें। और जो इंट्रोडक्शन है वो टॉपिक के बारे में आप लिख देंगे, एम लिखेंगे इसका, तो आप देखते चलिए यहाँ से एक पिक्चर ऐड कर देना यहाँ पे, इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख देना ये, यहाँ पे देखिए कुछ केमिकल्स दे रखे हैं, DDT, BHC, जिंक फॉस्फाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, डाई नाइट्रोफिनॉल, ये हमारे कुछ केमिकल्स हैं जो प्लांट में डाले जाते हैं। इसमें आप DDT का स्ट्रक्चर और DDT का फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लें, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ये होता है DDT, एक वाइट कलर का पाउडर होता है ये, और इसे जो है मॉस्किटो वगैरह को किल करने के लिए यूज़ किया जाता था, अब फिलहाल ये बैन कर दिया गया है। और इसका जो स्ट्रक्चर है आप लोग को हेलो एल्केन हेलो एरीन का जो आपका चैप्टर है क्लास 12 का NCERT पार्ट 2 में, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सेकंड बुक का, उसमें आपको चैप्टर के लास्ट में इसका DDT का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, तो वहाँ से आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ भी लीजिए, DDT के बारे में दे रखा है। BHC आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा फूड एडल्ट्रेंट्स आपको जो दिए रखे हैं, ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है, वहाँ पे आप एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये BHT, BHA, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका फुल फॉर्म है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिए बस, इसके बाद फिर आप यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका पूरा, इस तरह से आप इसको पढ़ लेना, ईजी है, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। एंड नाउ आफ्टर दैट कम टू द मटेरियल रिक्वायर्ड, सो मोर्टार पेस्टल बीकर फनल ग्लास रॉड फिल्टर पेपर चाइना डिश, वो चीनी की कटोरी जो होती है वो आपको लेनी रहेगी, इसमें ट्राईपॉड लेना रहेगा, फ्यूजन ट्यूब, नाइफ, टेस्ट ट्यूब, ये सारे आपके लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपको लेने रहेंगे। आप इसमें एक आध और डिलीट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। फिर आप जो भी सैम्पल आप ले रहे हैं वो लिख देना यहाँ पे। नेक्स्ट आप आएंगे इसमें पेज नंबर 8 पे, आपको प्रोसीजर लिखना रहेगा, तो प्रोसीजर में आपने जो भी प्रोसीड किया है, आप जैसे आप ये एक्सपेरिमेंट करें ये सारा आप लिख देंगे यहाँ, ये पूरा आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स इन डिटेल। एंड ये पॉइंट नंबर 11 तक है, फिर आप यहाँ पे एक पिक्चर कोई ऐड कर सकते हैं, किस तरह से इनको स्प्रे किया जाता है पेस्ट को बचाने के लिए। ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे इसमें, किस किस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है, किस में टेस्ट पॉजिटिव आया, किस में नेगेटिव आया है। पॉजिटिव मतलब इसमें ये आपके लिए हार्मफुल है एक तरह से। लास्ट है आप इसमें जो है वेबलोग्राफी लिख देना, और आपका ये लिख देना इसमें क्लास 12 का है ये प्रोजेक्ट, बस ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी रहेंगी। एक बार आप देख लीजिए दोबारा से, स्क्रीनशॉट ले लिए अच्छे से, और कॉपी में साथ साथ आप लिख सकते हैं अगर आपका हैंडराइटिंग वाला है, बाकी अगर आप प्रिंट आउट डायरेक्ट निकलवाना चाहते हैं तो आप इसको ही एडिट करके दे सकते हैं, मैं आपको PDF यहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिए। इसके अलावा और भी आप जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ डाले हैं आप सारे एक बार देख लें, आपके लिए जो ऐसा लगे आप जिसको अच्छे से तैयार कर पाएँ वो कंटेंट आप यहाँ से ले सकते हैं, वो टॉपिक आप सिलेक्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट। आप जो भी अपना गोल डिसाइड करेंगे उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको आप निग्लेक्ट ना करें, और इस प्रोजेक्ट से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड आपकी केमिस्ट्री एग्ज़ाम की डेट भी हो आ चुकी है 7th of April, सो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दें। बाकी अगर आपको टर्म 2 के लिए कोई भी नोट्स, PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज्म्स की किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल एंड गिव यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर द प्रोजेक्ट नंबर 4। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स, थैंक यू वेरी मच।